अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुदस्सर स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी बीवी दानिया शाह की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल हो रही है, जो कि एक वकील के साथ, और इसके अंदर जो वकील है वो उनके लिए विरासत का जो उनका हक है उसके लिए वो केस दायर करने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल के साथ बताते हैं कि ये वकील साहब कौन हैं और दानिया शाह की तरफ से जो है वो अपनी विरासत का जो केस है वो दायर किया गया है या नहीं किया गया। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ शेयर करें। नाज़रीन, पाकिस्तान के मारूफ एंकर पर्सन मरहूम डॉक्टर आमिर लियाकत, जो कि किसी भी तरह से तारफ के मोहताज नहीं है, अल्लाह ताला ने उनको दौलत, शोहरत और इज्जत से नवाजा और उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो तीन शादियां की। आप जब उनकी तीसरी जो अहलिया है दानिया शाह, उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे, दानिया शाह की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर वो एक वकील साहब के साथ मौजूद है और वकील साहब जो है वो अपना नाम शहजाद हकीम बताते हैं और वो इस वीडियो के अंदर कह रहे हैं कि सारे लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि शहजाद हकीम का जो जरिया मुआश है वो क्या है, लिहाजा वो इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि उनका जरिया मुआश जो है वो गरीबों की मदद करना शामिल है। और वो इस वीडियो के अंदर जो गरीब है वो दानिया शाह की तरफ इशारा करते हैं और इस तरह के जो दूसरे लोग हैं उनको हक दिलवाना इस वकील साहब का जो है वो काम है और वही उनका जरिया मुआश है। इस वीडियो के अंदर वकील साहब ने ये वाजे तौर पे कहा कि मैं देखता हूँ कि कौन जो है वो दानिया शाह की जो हक विरासत है वो उसको मिलने से कौन उसे रोकता है। अलबत्ता इस वीडियो के अंदर ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया और ना ही दानिया शाह ने इसके इस बात की वजाहत की है कि आया कि उन्होंने विरासत का केस जो है वो दायर किया है या नहीं किया। इसके अलावा जो इस वीडियो के बारे में ये भी कोई नहीं जानता कि ये वीडियो कब की बनी हुई है और इस वीडियो बनाने का मकसद जो है वो इसका क्या था। ताहम अगर डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी बीवी है इनकी बात करें तो दानिया शाह के साथ जो शादी है वो डॉक्टर आमिर लियाकत ने 22 फरवरी को की और इसकी जो 3 माह का ये एक मुद्दत थी जिसके अंदर वो जिसके बाद दानिया शाह ने जो है वो तनसीख निकाह का जो केस है वो दायर कर दिया था। अलबत्ता आज बाद में जो है वो दानिया शाह की तरफ से डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की जो है वो नाजेबा वीडियोस और ऑडियोज जो है वो लीक की गई जिसका दानिया शाह ने मुकदमे का भी सामना किया, जो कि उनकी डॉक्टर आमिर लियाकत की जो पहली बीवी है बुशरा इकबाल उन्होंने ये केस दायर किया था। ताहम डॉक्टर आमिर लियाकत जो है वो अगर उनकी वफात की हम बात करें तो 9 जून 2022 को जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत जो है वो वफात पा गए थे, जिसके बाद उनकी जो पहली बीवी है बुशरा इकबाल उन्होंने इस केस को जो है वो गो थ्रू किया, उसको मूव ऑन किया, आगे लेके चली और दानिया शाह के ऊपर जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत की नाजेबा वीडियोज के लीक करने का और ऑडियो लीक करने का जो है वो केस चलता रहा। जहां तक बात है विरासत की तो इस वीडियो के अंदर जो है वो शहजाद हकीम नामी जो वकील है वो 2 करोड़ रुपए की जो इनकी विरासत है उसका दावा कर रहे हैं कि वो 2 करोड़ रुपया जो है वो दानिया शाह की जो एक मलकियत बनती है डॉक्टर आमिर लियाकत की तरफ से विरासत के तौर पर, इसके लिए वो दानिया शाह के साथ खड़े हैं और जो आने वाले दिनों के अंदर वो इसके ऊपर केस जो है वो दायर करने जा रहे हैं। तो इस सोशल मीडिया के जो वायरल वीडियो है इसकी हकीकत जो है वो अभी तक किसी भी तरह से क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि दानिया शाह ने खुद जब वकील ने उनसे उनका जो मौकफ लेने की कोशिश की तो इसके ऊपर दानिया शाह इस वीडियो के ऊपर खामोश रहती दिखाई देती है। आगे जाके दानिया शाह जो है वो विरासत के इस वीडियो को अपनाती हैं या नहीं अपनाती ये अभी देखना बाकी है।